हेलो एवरीवान इन दिस वीडियो आई विल डिस निमोनिक्स ऑन एडिक बेसिक वर्च्यू एक ने मुझे ये कॉमेंट करके रिक्वेस्ट करी थी कि मैं इस पर एक वीडियो डालूँ निमोनिक्स इन स्टेजिस का एक निमोनिक्स बनाऊँ सो आई हैव डिसाइडेड टू ब्रिंग दिस वीडियो एंड अनदर कॉन्सेप्ट विच आई विल डिस्कस एज इमोशंस थ्योरीज जो चार पांच इमोशंस की थ्योरीज हैं ऑल दो उसमें कोई लर्निंग उसमें कोई निमोनिक नहीं है उसमें एक लर्निंग ट्रिक या इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि आपको मैं इस तरह से समझा दूंगी सारी थ्योरीज कि आपको वो याद हो जाएंगी ओके लेट्स बिगिन विद एरिक्सन एट स्टेजेस तो एज यू नो देर आर एट स्टेजेस एग्जाम्स में इसके सीक्वेंस पूछ लिए जाते हैं कि ट्रस्ट वर्सेज़ मिस के बाद ऑटोनोमी वर्सेज शेम है फिर इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट है Then industry versus inferiority, identity versus role confusion, intimacy versus isolation, generativity versus stagnation and ego integrity versus despair. So तो uh, आपको इसको एक sequence में याद करना रहता है जम्बल करके दे, दे देंगे या इस तरह से आगे पीछे की स्टेज भी पूछ लेते हैं कि इंडस्ट्री के बाद की कौन सी स्टेज है या पहले की कौन सी स्टेज है तो आपको इस एक निमोनिक है या एक तरह से एक स्टोरी है जो मैंने इस पे बनाया हुआ है जिससे आपको याद हो जाएगा तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है एक लड़का है ठीक है जिसपे उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को एक ऑटोनॉमी दी, मतलब दी हुई है ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंस दी हुई है आज़ादी दी हुई है कि वो कुछ भी करे ठीक है तो जो उनका बच्चा है ठीक है वो इनिशिएटिव लेता है कि वो एक इंडस्ट्री सेटअप करेगा ठीक है अब इंडस्ट्री सेटअप करने से उसकी अपनी ख़ुद की एक आइडेंटिटी बन जाती है ठीक है लेटर ऑन वो अपने कस्टमर्स से इंटीमेट रिलेशनशिप यानी क्लोज रिलेशनशिप्स डेवलप करता है जिससे उसकी इंडस्ट्री काफ़ी फेमस हो जाती है तो इससे जो उसके प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है तो इस वजह से वो ज़्यादा प्रोडक्ट जनरेट करता है ठीक है ज़्यादा जिस भी चीज़ की उसने इंडस्ट्री सेटअप करी है वो ज़्यादा वो प्रोडक्ट्स को जनरेट करता है और ये सारा प्रोसेस ऐसा है कि एट लास्ट वो इस प्रोसेस से बहुत कुछ सीखता है और जो उसका ईगो है वो इंटीग्रेटेड हो जाता है ठीक है तो अब यहाँ पे जितने भी कैपिटल लेटर्स में वर्ड्स लिखे हुए हैं दीज आर दी स्टेजेस तो एक एक मैंने वर्ड का यहाँ पे बनाया है ट्रस्ट है तो अब इसका मिसट्रस्ट होगा ऑटोनॉमी का शेम इनिशिएटिव का गिल्ड ठीक है इंडस्ट्री का इन्फेरियोरिटी ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अपोजिट में क्या चीज़ है उसका नहीं है तो स्टार्टिंग में आप इसको इस तरह से स्टोरी को ध्यान में रख सकते हैं कि देर वॉज अ बॉय ठीक है जिसके पेरेंट्स उस पर पे ट्रस्ट करते हैं इसलिए ऑटोनॉमी दी हुई है इस वजह से उसने एक इनिशिएटिव लिया कि वो एक इंडस्ट्री डालेगा जिससे उसको एक आइडेंटिटी मिली अब उसने जो उसके कस्टमर्स थे उनके साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप किया फिर वो अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जनरेट करने लगा और ये सारे प्रोसेस में उसने बहुत कुछ सीखा इसलिए उसका एट लास्ट ईगो इंटीग्रेट हो गया उसकी अपनी एक पर्सनल एक आ, साइको सोशल आ, जो क्राइसिस था वो ख़त्म हो गया इस तरह से करके आप इसको याद कर सकते हो एक स्टोरी तो फॉर्म में ठीक है अब ये तो होगी आपके जो साइकोसोशल क्राइसिस हैं यानी कि जो स्टेजेस हैं वो ठीक है इसको आप एक सीक्वेंस में जब ये स्टोरी याद रखोगे तो याद हो जाएगा अब जो इसमें वर्च्यू डेवलप होता है या साइकोसोशल स्ट्रेंथ जो डेवलप होती है उसका भी सीक्वेंस पूछते हैं कि होप है ठीक है ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट अगर कॉन्क्य हो गया तो होप डेवलप होगा ऑटोनॉमी वर्सेज शेम के बाद विल डेवलप होती है ठीक है तो अब इसका एक निमोनिक है वो है ये क्वेश्चन हाउ विल यू प्रपोज विथ कम्पिटेंसी इफ़ यू डोंट हैव फेडिलिटी लव केयर एंड विस्टम तो ये एक तरह से एक क्वेश्चन हो गया ठीक है जो हम किसी से पूछ रहे हैं तो हाउ को आप होप से कर सकते हो विल विल का मतलब विल ठीक है प्रपोज को आप पर्पज़ का नाम दे सकते हो कम्पिटेंसी है ठीक है अच्छा ये याद रखिएगा कि कम्पिटेंसी में कहीं कहीं पर कॉन्फिडेंस भी लिखा होता है ठीक है तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा इफ़ यू डोंट हैव फेडिलिटी लव केयर एंड विजम ठीक है तो ये क्वेश्चन मान लीजिए आप किसी से पूछ रहे हैं तो अब इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को पूरा याद कर सकते हैं तो जिससे आपको ये लाइन वाइज सारी जो वर्च्यूज़ हैं वो लर्न हो जाएंगी ओके नाउ लेट्स डिस्कस इमोशंस थ्योरीज तो इसमें मैं आपको इस तरह से इस चीज़ को थ्योरीज को समझा दूंगी कि आपको ये चीज़ें लर्न हो जाएंगी सबसे पहले ग्रुपिंग कर लेते हैं ठीक है तो कॉमन सेंस थ्योरी बहुत ही बेसिक थ्योरी है ठीक है जो ये बोलती है कि कोई भी स्ट्रीमलेस है उसके बाद हमारा इमोशंस जनरेट होते हैं उसके बाद हम हमारा फिजियोलॉजिकल अरावजल होता है ठीक है फिजिकल रिएक्शन हम देते हैं फिर हम बिहेवियल रिएक्शन देते हैं यानी हमने कुछ Uh, किसी को चीज को देखा हम डर गए उसके बाद हमें पसीना आने लगा और उसके बाद हम वहां से भाग गए इस तरह करके ठीक है तो ये है कॉमन सेंस थ्योरी फेशियल फीडबैक थ्योरी का कहना यह है कि हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है दे गिव फीडबैक टू ब्रेन हम जिस तरीके से अपना फेशियल एक्सप्रेशन रखते हैं वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि हमारे इमोशंस कैसे हैं तो अगर हम सैड भी हैं और अगर हम खुश खुशी वाला एक्सप्रेशन अपने फेस पे रखते हैं तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाएगा दैट वी आर हैप्पी ओके तो ये दो थ्योरीज हैं इनको आप एक ग्रुप में करके डाल लो ठीक है अब नेक्स्ट में आ जाता है जेम्स लैंग और कैनन बार्ड थ्योरी इन दोनों को हमेशा एक साथ ही याद रखा करिए जेम्स लैंग थ्योरी का कहना यह है कि स्ट्यूमिलस होता है ठीक है उसके बाद हमारा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है और उसके बाद इमोशंस जनरेट होते हैं यानी कि हमने कोई भी चीज़ देखी एक बाकिंग डॉग हमने देखा हमारा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या हुआ कि हमें स्वेटिंग होने लगी या हमारी हार्ट बीट बढ़ गई उसके बाद हम अपने इस फिजियोलॉजिकल रिएक्शन को इमोशंस का नाम दे देंगे ठीक है तो जेम्स लैंग थ्योरी ऑलवेज टॉक्स अबाउट कि फिजिकल स्ट्यूम फिजिकल रिस्पॉन्स हमेशा पहले आता है उसके बाद इमोशंस जनरेट होते हैं ठीक है तो इसको सीधा सा एक सीक्वेंस में याद रख लीजिए दैट इज ट्रिमुलिस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड देन इमोशंस हमेशा ये जेम्स मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि न, कौन सी थ्योरी में फिजियोलॉजिकल रिस्पांस पहले आता है और फिर इमोशंस जनरेट होते हैं तो ऑलवेज द आंसर इज जेम्स लैंग थ्योरी इसी के साथ कैनन बार थ्योरी में का ये कहना है कि नहीं फिजियोलॉजिकल रिस्पांस पहले नहीं होता है दोनों साथ में होते हैं ठीक है कैन एंड का ये कहना था कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स और इमोशंस बोध अकर साइमल्टेन्यूसली बहुत बार ये वर्ड आता है कि साइमल्टेन्यूसली तो साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ जहाँ पर भी आप साइमल्टेनियसली का वर्ड देखें तो आप सीधा सीधा आपको आइडिया लग जाना चाहिए दैट दिस थ्योरी इज टॉकिंग अबाउट कैन एंड ओके तो आई होप ये समझ में आ गया होगा जेम्स लैंग सिंपल एक है ठीक है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स पहले है फिर इमोशंस है कैन एंड बार्ड में दोनों साइमल्टेनियस होते हैं ठीक है ठीके? अब आ गया आपका शा, शादर और सिंगर का कॉग्नेटिव अराउजल थ्योरी इसका ये कहना है कि देर इज एस्ट्रीमुलस उसके बाद एक फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है फिर हम उसका कोग्नेटिव इंटरप्रिटेशन करते हैं फिर हम इमोशंस को लेबल करते हैं ना रिमेंबर कोग्नेटिव अराउजल थ्योरी शादा सिंगर थ्योरी टू फैक्टर थ्योरी ठीक है बहुत लोग तो इसी में ही कंफ्यूज रहते हैं कि ये अलग अलग मान के चलते हैं बट ये तीनों एक ही है ठीक है अब शादीदार सिंगर है दो बंदों का नाम है तो आप इसको टू फैक्टर याद कर सकते हो दो लोग हैं तो दो फैक्टर इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो ठीक है अब क्या हुआ कि स्टिमुलस है उसके बाद एक फिजियोलॉजिकल अराउजल हुआ अगर हैप्पी मैन एंग्री मैन वाली जो स्टडी हुई थी वो पढ़ी होगी तो क्या था कि एपिनफ्राइन इंजेक्ट किया गया था अब लोगों ने उसका एक फिजिकल रिएक्शन देना स्टार्ट किया था कि उनकी बॉडी में रिएक्शन होने लगा था उसका ठीक है स्वेटिंग होने लगी थी या मतलब उनकी हार्ट बीट तेज हो गई है इस तरह के जो रिएक्शन से वो होने लगा अब उन्होंने क्या देखा जिन लोगों को मतलब आ, अच्छे खुशी वाले माहौल में रखा गया था तो उन्हें ये लगा कि हाँ मैं खुश हूँ और जिन लोगों को मतलब गुस्से वाले उसमें जो मॉडल था उसने ऑब्जर्व किया था तो उनको क्या लगा था कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है या उन्होंने एक नेगेटिव इमोशन को एक्सपीरियंस किया तो यहाँ पे जो कॉग्नेटिव इंटरप्रिटेशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ क्यूज़ फ्रॉम एनवायरनमेंट होता है ठीक है उसके बाद हम इन्वायरमेंट से क्यूज लेके अपने इमोशंस को लेबल करते हैं बाद वक्त ऐसी बात होती है कि हमें नहीं पता होता है दैट व्हाट वी आर फीलिंग वो क्यों फील कर रहे हैं तो हम अपने आसपास अपने इन्वायरमेंट को देखते हैं और फिर उसके बाद हम लेबल कर लेते हैं कि अच्छा मैं ऐसे इन्वायरमेंट में हूँ तो मैं दुखी तो बिल्कुल नहीं फील कर रहा ये मेरा एक्साइटमेंट है ठीक है इस तरह की चीज़ें तो कोगनेटिव अराउज़ल थ्योरी ठीक है यहाँ पे कॉग्नेटिव इंटरप्रिटेशन होता है किसका अराउजल का उसके बाद हम अपने इमोशंस को लेबल करते हैं ठीक है ये थोड़ा बहुत आपको जेम्स लैंग से लग सकता है कि सिमिलर है लेकिन जेम्स लैंग में कॉग्नेटिव इंटरप्रिटेशन जैसी कोई चीज नहीं है वहां पे डायरेक्ट किया था कि stimulus है देन देयर इज फिजियोलॉजिकल रिएक्शन उसके बाद इमोशंस डायरेक्ट ठीक है लेकिन शारदा सिंगर थ्योरी में हम कॉन्ग्नेटिव इंटरप्रिटेशन करते हैं अपने अराउजल का और उसके बाद हम लेबल करते हैं कि जो हमारा इमोशन है वॉट दैट इमोशन इज ठीक है उसके बाद है कोग्नेटिव मीडिएशनल थ्योरी ये लजारिस की थ्योरी है इसमें इन्होंने ये बोला कि हम अप्रेस करते हैं हम पहले ये जज करते हैं दैट वेदर इन द सिचुएशन वी आर इन वो डरने वाली सिचुएशन है या नहीं है ठीक है जैसे जू गए होंगे सब ठीक है तो वहाँ पे हम सब लायन लायन देखा टाइगर्स देखे बहुत इस तरह के एनिमल्स देखे लेकिन हमें वहाँ पे डर नहीं लगता है क्यों क्योंकि हमें पता है कि जो भी लायन है वो बिहाइंड द केज है ठीक है तो वो उससे हमें कोई नुकसान नहीं है लेकिन अगर हम जंगल में खुले में अगर हमें शेर दिख जाएगा तो हम बहुत डर जाएंगे क्योंकि तब हमें पता है कि वो बंधा नहीं है वो हम पे अटैक कर सकता है लेकिन जू में ये चीज है कि हाँ हमें डरने की जरूरत नहीं है तो हम पहले अप्रेज करते हैं दैट वॉट एवर सिचुएशन वी आर इन वो डरने वाली सिचुएशन है या नहीं है ठीक है अब जैसे डॉग है तो कुछ बहुत स्वीट से डॉग होते हैं जिनको देख के हमें डर नहीं लगता है। कुछ बहुत डेंजरस से डॉग्स होते हैं तो हम अब ये सिर्फ जनरलाइज़ नहीं कर सकते कि डॉग से सबको डर लगता है डॉग की भी अलग अलग है डॉग अगर बहुत स्वीट सा है छोटा सा है पपी है तो हमें डर नहीं लगेगा लेकिन अगर वो एक डेंजरस डॉग्स है बड़ा डॉग है तो हमें डर लग सकता है तो हम पहले ये अप्रेज करेंगे ठीक है हम ये देखेंगे कि ये जो सिचुएशन है ये डरने वाली है या नहीं है और उसके बाद हम इमोशंस को अपने लेबल करेंगे या उसके बाद हमारा जो इमोशन है वो जनरेट होगा नंबर की यहाँ पे जो अप्रेजल होता है कोग्नेटिव मीडिएशनल थ्योरी में इट इज ऑटोमेटिक एंड इट इज अनकॉन्शियस ठीक है यहाँ पे सब कुछ कॉन्शियस है हम सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं शादा सिंगर थ्योरी के अकॉर्डिंग ठीक है इमोशंस के मतलब इन्वामेंट के बेसिस पे ठीक है और यहाँ पे अप्रेजल हम करते हैं वो अनकॉन्शियस होता है और ऑटोमेटिक होता है ओके okay? So, I hope these two concepts are clear to you Erickson ki theory and uh, emotions' ki jo theory. Thi wo. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. And if you have some more requests, you can also put that in the comment section. Thanks for watching. Have a good day ahead.